top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. एक पूर्णतः निष्पक्ष संस्था है और इलेक्शन कमीशन पूर्णतः निष्पक्ष है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज तक किसी ने भी कोई उंगली नहीं उठाई और जब इलेक्शन कमीशन किसी को लाभ के पद के ऊपर नोटिस देता है तो वो अपने आप में बहुत सीरियस मामला है। इससे पहले लाभ के पद के ऊपर जब मसला उठा था तो हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के निर्देश का भी इंतजार नहीं किया था। सन 2004-5 के अंदर अमेठी से खुद वापस जाकर के चुनाव लड़ी थी जब लाभ के पद का मसला उनके ऊपर आया था। उसी तरीके से राज्यसभा के अंदर भी जया बच्चन जी ने भी रिजाइन करके खुद दोबारा चुनाव लड़े थे जब लाभ के पद का उनको नोटिस और उनको इशू उस वक्त उठा था। उसी तरीके से हम लोग ये मांग करते हैं आज केजरीवाल जी से कि अपने 21 के 21 संसदीय सदस्यों का तत्काल इस्तीफा होना चाहिए और एकदम इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि अब वो दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों का मैंडेट खो चुके हैं और 21 संसदीय सचिवों का चुनाव एकदम से होना चाहिए। ये आज हम केजरीवाल जी से मांग करते हैं और आज के हमारे चुनाव के अंदर जीतने के बाद हम लोग दो चीजों में हम लोग पूरी तरीके से लगेंगे। एक तो 21 संसदीय सचिवों का चुनाव जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से हम लोग आंदोलन जन आंदोलन करेंगे और दूसरा अगले वर्ष के होने वाले कॉर्पोरेशन चुनावों के अंदर की रणनीति बनाने के लिए हम अपने संगठन को भी मजबूत करेंगे और साथ साथ में हम लोग अगले 4 महीने के अंदर अंदर कॉर्पोरेशन कैसा होना चाहिए उसका रोड मैप हम बना करके दिल्ली की जनता के सामने दे सकते हैं। और कॉर्पोरेशन के रोड मैप के अंदर मुख्यतः हम लोग कॉर्पोरेशन के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी सफाई व्यवस्था किस तरीके से इंप्रूव हो सकती है, किस तरीके से अनधिकृत कॉलोनियां, किस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों का ध्यान रखा जाना चाहिए, दूसरा कॉर्पोरेशन का किस तरीके से वित्तीय संकट कॉर्पोरेशन का दूर होना चाहिए, किस प्रकार से कॉर्पोरेशन अपने पांव पे वित्तीय रूप से खड़ी हो सकती है, और तीसरा कॉर्पोरेशन के अंदर जो गड़बड़ घोटाला खासतौर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट को लेकर के टोल टैक्स कलेक्शन को लेकर के पार्किंग माफिया के रूप में है उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पेंशन जो रुकी हुई है किस प्रकार से वो वापस पेंशन और डेवलपमेंट हो सकती है। इन 4 चीजों को सकारात्मक रूप से हम लोग रोड मैप तैयार करके हम उस रोड मैप को अगले चार पांच महीने में तैयार कर लेंगे और उस रोड मैप को लेकर के हम लोग दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और संगठन को भी हम संगठन को और सुदृढ़ करके दिल्ली की जनता के पास में कंस्ट्रक्टिव अपना रोड मैप लेकर के जाएंगे और उस आधार पे हम वोट मांगेंगे।